स्वागत है तुम्हारे मेरे चैनल पे अजीम नैनीताल। मैं नैनीताल से आज एक फोन लेने आया हूँ हल्द्वानी आई क्रैश स्टोर, हल्द्वानी में आया हूँ मैं और यहाँ एप्पल का स्टोर है, यहाँ से एक फ़ोन खरीदना है मुझे जिसका मॉडल नंबर है आईफोन 12 प्रो मैक्स 256 GB। इसकी कॉस्ट है 1,39,000 और ये अभी मैं इसका आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और घंटा बजाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ना तो घंटा की वीडियो नहीं मिलेगी आपको। इसकी प्राइस लिस्ट आप देख सकते हैं, 128 GB का वेरियंट कितने का है, 256 GB कितने का है और 512 GB कितने का है। HDFC क्रेडिट कार्ड से करते हैं आप तो आपको 5,000 तक का कैशबैक मिल सकता है और आपकी 6 मंथ की EMI बन सकती है, नो कॉस्ट EMI। एक ये फोन मिला है इसमें, देख सकते हैं हम गोल्ड कलर में कम लग रहे थे साइड में, और एक डाटे के भी है सिम ट्रिपी में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और कुछ है नहीं। 4,000 आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा जो 2,000 समथिंग का है। तो उसको हम ऑन करते हैं, बहुत सेक्सी होने और ये देखिए आप एप्पल का लोगो इसमें टेप लगा हुआ। अरे कहाँ है आप, ये बात कैसे बना रहे हैं, एक लोग बता रहे हैं सेलेक्ट कर ली इसमें। अच्छा जो लैंग्वेज की वैल्यू होता है इसकी ट्रेनिंग लैंग्वेज माइक्रस 1 2 3 कैमरा देख लेते हैं इसका, फेस कैमरा तो बहुत बढ़िया है, ये कुछ इतना है वीडियो ना फेवरेट बता दें कैसे करनी है, स्लो मोशन में भी है, जब मैं इसमें सिम डालता हूँ ये सिम ट्रे आ गई इसकी बाहर। सिग्नल आ गया इसमें, ये सिग्नल आ गया, एयरटेल का साइन बन कर आ गया इसमें, सिम इसने वो डिटेक्ट कर लिया सिम को। तो ये फ़ोन भैया आप देख लीजिए, आपका आपके बजट में हो तो आप ले सकते हैं इसे, बाकी मुझे तो फ़ोन पसंद है, मेरे बजट में था इसलिए मैंने खरीद लिया इस फ़ोन को। तो दोस्तों आप बता सकते हैं आपको फ़ोन कैसा लगा, मुझे तो फ़ोन बहुत प्यारा लगा लेकिन बस मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, इसकी एक्सेसरीज हमें अलग से परचेज करनी पड़ रही है। मैं एप्पल से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय पे इसके साथ इसकी एक्सेसरीज के साथ फ्री दें, और फ्री भी ना दें तो चार्जर तो जरूर दें इसके साथ, चार्जर हमें अलग से परचेज करना पड़ा 1,000 रुपीज़ का, वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी। बाकी फ़ोन अच्छा है, फ़ोन आप ले सकते हैं,
अगर आपके बजट में है तो, और आप बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताना, और मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है।